गाइस, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अखरोट और तिल्ली के लड्डू बनाना बताऊंगी। लड्डू खाने से बच्चों का पढ़ाई में मन भी अच्छा लगता है। अब आइए शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम अखरोट लिए हैं और 250 ग्राम सफ़ेद तिल्ली ली है और 250 ग्राम ब्लैक तिल्ली ली है। इन सबको अब रोस्ट करेंगे। मूंगफली के दाने हमने 250 ग्राम लिए हैं, इसको भी धीमी आंच पे रोस्ट कर लेते हैं। अब हम दोनों तिल्ली को ब्लैक और वाइट को दोनों को मिक्स करके धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। अब तिल्ली हमारी चटकने लगी है, थोड़ी अच्छी हो जाएगी, चटक जाएगी, उसके बाद में हम इसका निकाल लेंगे। ये जो हमारे अखरोट है, हम इसको भी थोड़े से रोस्ट करेंगे। और हमने बादाम लिए हैं, इसको भी हम रोस्ट करेंगे। तक हम मूंगफली और तिल्ली को पीस के लाते हैं। तो इस पैन में हम 750 ग्राम हम गुड़ डाल देंगे को हम मेल्ट पूरा हो जाने देंगे धीमी आंच पे। गैस हमने बंद कर चुकी है, कढ़ाई हमारी वैसे ही गर्म थी तो हम बंद गैस में इसको मेल्ट होने देंगे। दरदरा सा पीस लिया है और ये जो तिल्ली थी वो भी हम इसी में मिक्स करेंगे। इसको भी हमने दरदरा ही पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है, नहीं तो तेल छोड़ देती वो, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा ही पीसा है। अब हम दोनों को मिक्स करेंगे। अब हम मूँगफली के दाने पीस के लाएंगे। हमने पीसे मोटे मोटे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। हमने मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लिए, कटिंग नहीं किया है। और जो मूंगफली के दाने थे वो भी हमने पीस लिए, इसको भी मोटा मोटा ही पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है इसको भी। अब हम इसको सबको मिक्स करेंगे। हमने मेल्ट करके रखा है, अब हम इसको उसमें डालेंगे, फिर लड्डू बनाएंगे। देखिए गुड़ हमारा अच्छी तरह से घुल चुका है। अब हम इसमें ये पाउडर थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। सर हम धीरे धीरे धीमी आंच पे अच्छी तरह से गुड़ में मिलाएंगे और थोड़ा गरम गरम रहेगा जब भी हम इसके लड्डू बनाएंगे, जैसे हम हाथ लगा सकते हैं इसको। अच्छी तरह से हमने मिला चुके हैं। अब हम इसके गैस को बंद कर देंगे और अब गरम गरम थोड़ा हाथ लगाने जैसे पे लड्डू बना लेंगे, बनाएंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। हम आधा मिक्सर डालेंगे और आधा बाद में डालेंगे, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे। हम इसको ऊपर से डालेंगे ताकि लड्डू हमारे अच्छे तरह से बने। हमने पहले नहीं डाला घी, अब डालेंगे ताकि लड्डू अच्छे से बन जाए। अब मिक्स करेंगे। अब घी को हाथ में लेके इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हमारा लड्डू तो बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से हम पूरे लड्डू बना लेंगे। हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप लोग भी बनाकर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में लिखिएगा कि मेरे लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। आप लोग ट्राई करिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।